हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब न्यूज 24/7। आज की वीडियो में क्या 5 करोड़ के ऑफर के लिए फिजिक्स वाले छोड़ रहे हैं उनके बेस्ट टीचर्स? कैसे व्यूज के लिए UK07 राइडर ने कर दिया ये पोस्ट? क्या अब दो रोजिक लेने वाले लीगल एक्शन MC स्टैन पे? एलविस आदम ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया थाराभाई जोगेंद्र के नए सॉन्ग पे? एंड जत प्रभजोत को क्यों जाना पड़ेगा नेपाल फिर से? गाइस, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले 3 इडियट मूवी के बारे में। तो क्या 3 इडियट का सिक्वल आने वाला है? एंड वो भी बिना करीना कपूर के। शर्मन जोशी की मूवी प्रमोशन में एक साथ दिखे आमिर खान, आर माधवन एंड शर्मन जोशी। साथ ही इससे रिलेटेड करीना कपूर का एक वीडियो आउट हुआ है जहां उन्होंने बताया कि दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। चले देखे क्या कहा उन्होंने। आई जस्ट गॉट टू नो कि व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे दैट दीस थ्री वर अप टू समथिंग। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दैट इज गोइंग अराउंड is from that secret that these three are keeping from us. Like, something is fishy. And please don't say that this is Sharman ka some movie promotion. I think they are gunning for a sequel. But only these three. Like, how can, without me, I don't think even Baman knows about this. I'm calling Baman right now to check. Aake chal kya raha hai yaar? This smells like a sequel for sure. बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले फिजिक्स वाले के बारे में। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया कि MD सर एंड तरुण सर ने फिजिक्स वालों को लेफ्ट कर दिया है एंड नाउ सर्वेश सर ने भी फिजिक्स वालों को छोड़ दिया है। जिस पर PW के एक टीचर है पंकज सर, जिन्होंने शेयर करते हुए बताया कि उन्हें Ultra 247 से 5 करोड़ का ऑफर मिला, इसलिए वो सब PW को छोड़ रहे हैं। जिसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने अपने संकल्प चैनल पे एक वीडियो शेयर किया। चले देखिए क्या कहा उन्होंने इससे रिलेटेड। की बात करते हैं, ये इन्होंने जो कंपनी में एक शेयर होते हैं ना, उसकी कीमत मुझे बताइए कि सर आप 3 साल 4 साल बाद वो 24 करोड़ रुपए हो जाएगी। आप बोलो, इन्होंने बोला मैं उस आदमी को सामने लाके बुलवा दूंगा, 24 करोड़ हो जाएगी। तो यार मैं 5 करोड़ के लिए छोड़ जाऊंगा? हम लोग सिर्फ एक मिनट सर, इस वजह से सर, एक मिनट रुकिए। आपको क्या लगता है हमने ऐसे एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए, अरे तरुण सर रोइए, प्रतीक सर की बात चल रही है ना, प्रतीक सर की बात चल रही है सर। सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अब्दुरोजी के ना एम्स स्टैंड को लेके। तो दोनों के बीच मीडिया इंटरव्यू को लेके कंट्रोवर्सी हो गई है, जो कि हमने इस वीडियो में कवर करा था, जहां एम्स स्टैंड ने अब्दुरोजी के बारे में कुछ बोल दिया था, जिसके बाद अब्दुरोजी के कार को भी नुकसान पहुंचने की बात आई एंड उसके बाद अब्दुरोजी की टीम ने उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। उससे रिलेटेड उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए सारे मैटर की डिटेल्स दी। नेक्स्ट अपडेट आ रहे एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव ने रिएक्ट कराया थराभाई जोगिंदर के नए सॉन्ग को लेके, जो कि होने वाली है सिस्टम। उन्होंने क्या कहा इससे रिलेटेड, चलिए आपको दिखाते हैं। भाई जोगिंदर तो मिला ही नाम है यार, जोगिंदर मिलवा दे भाई, जब मन करेगा जब मिलवा दे भाई। सिस्टम जोगिंदर भाई बुलाया था, वो पता ना कहाँ रहेगा, फोन भी करे सिस्टम पार्ट देके गाना आ रहा भाई। इसका जोगिंदर का हमने मारा था आई चुप अपना आ रहा भाई, वो बैठक में बैठा है टिकरी। वहीं उनके बीच एक कंट्रोवर्सी फिर से हो गई है। थाराभाई जोगिंदर इस वीडियो में पोस्ट लेने गए थे, जहां उन्होंने कह दिया कि अपने बच्चे के पास भी ये है, जिस पे एलविस यादव ने रिएक्ट करा, सोचा कि उनके बारे में बात हो रही है और कुछ ये कह दिया अपने ब्लॉग में। हमारे जोगिंदर भाई के लिए हमारी गाड़ी दिखा देता हूँ भाई, ऐसी फोर्स जो तुम देख के आए, जो तुम कह रहे हमारे बालक द्वारा भी भाई हो रही भाई, बालक द्वारा गाड़ी ठीक है, यो भी है भाई, कभी कहो कि यो ही है, बस यो भी है ठीक है। तो ऑर्डर करो तो ढंग से करना, और सोने का पानी चढ़ा लेना तो और बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। मैं इसे देख रहा हूँ, जोगिंदर की वीडियो देखेंगे भाई। अरे हाँ भाई, उसने दोबारा बोल रखा है। हाँ भाई, भाई कब तक इंटरनेट पूंजी कर प्ला करते रहोगे भाई? टेक्स्ट पूंजी अपनी साइड है, लड़ा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे फिर भी यार, वो तो करता रहेगा। मैं तो वो वाली वीडियो देख रही हूँ, जिस पर रिएक्ट करते हुए थारा भाई जोगिंदर ने भी अपने ब्लॉग में कुछ ये कहा। उसने एक ब्लॉग डाला यूट्यूब पे, मैंने कहा कौन सा भाई? तो भाई ने मेरे को बोला, अरे वो ही। मैंने कहा कौन भाई? अरे वो जो पकड़ा गया था अभी, गमला चुराता हूँ। मैंने कहा अच्छा, गमला चोर। हाँ, मैंने कहा देखता हूँ ब्लॉग भाई, मैंने ब्लॉग देखा, उसमें ढाका भाई वो क्या बोल रहा था कि भाई जोगिंदर गाड़ी लेने के लिए गया था भाई, मैंने उसका वो ये बोल रहा था कि उसके साथ में एक लड़का है, वो ये था भाई ढाका साहब, है ना भाई? डो भाई, तो उसने ब्लॉग के अंदर एक वाली बात बोली जो मेरे को चुप गई कि भाई मेरे को बच्चा बोल रहा है भाई। नाम लिया था क्या आपने उसका? तो भाई उसने ऐसे नाम बार बार हमसे जुड़ना चाहता, हमारे नाम ले रहा है भाई। वैसे हमने नाम तो लिया ही नहीं, जो पूरे भारत में उसके पास तो एक पोर्शे होगी नहीं, उसने तो सेकंड हैंड लिया, जो हमारे दोस्तों नहीं लेते हैं भाई, चलाते भी नहीं है। हम पोर्शे देखने गए थे दो भाई, हमने गाड़ी का प्लान किया था भाई, हमें गाड़ी खरीदते हैं, तो वहाँ पर वो खड़ी थी, तो मैंने ये वाली बात बोली थी कि भाई अपने बच्चे के पास है पोर्शे, अपने भाई कितने जान पहचान के आपके, कितने दोस्तों के पास पोर्शे आपके पास, ये वाली दोस्तों के पास ऐसी गाड़ी है
तो मानते हैं कि भाई इसने जोगिंदर ने एल्विस का नाम लिया, उसको बच्चा बोला है भाई, पूरी वीडियो में दिखा देगी एल्विस तेरा नाम। अगले अपडेट की तरफ हम बात करने वाले जत प्रभजोत के बारे में। जत प्रभजोत को नेपाल कोर्ट से फिर आया है नोटिस एंड जत प्रभजोत के एक्सीडेंट केस को लेके उन्हें फिर से नेपाल जाना पड़ सकता है। उन्होंने अपने ब्लॉग में कुछ ये कहा, चलिए देखिए उनके ब्लॉग की एक छोटे से क्लिप। कि अपने को दोबारा से नेपाल ट्रैवल करना है अपने केस से रिलेटेड। मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि जो हमारा केस है वो भी क्लोज नहीं हुआ, केस चल रहा है, तो उसकी डेट आ चुकी है। मेरे को नेपाल ट्रैवल करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और अंदर से ना थक धक हो रही है। और अभी भी कुछ बंदे ना जाके उसी स्पॉट पे जहां एक्सीडेंट हुआ था वीडियो बना रहे हैं, प्रभजोत का एक्सीडेंट यहां हुआ था, ऐसे हुआ, ये हुआ। अभी किसी को भी पूरी डिटेल नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और मैं भी नहीं बता सकता आपको ज्यादा डिटेल जब तक केस चल रहा है। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो वो कहते हैं ना कि आप कुछ भी बोलोगे तो आपके खिलाफ भी यूज हो सकता है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता। जब केस क्लोज हो जाएगा ना मैं आपको खुल के बताऊंगा कि भाई एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक डिटेल आपको खुल के बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो बंदे अभी भी वीडियो बना रहे हैं ना उस चीज पे मत बनाओ, आपके चक्कर में मेरे को दिक्कत हो जाएगी, जब टाइम आएगा सारी सच्चाई। बट अगले अपडेट की तरफ हम बात करने वाले चाय सुट्टा बार के अभिनव दुबे के बारे में। तो क्या उनके ऊपर बायोपिक बनने वाली है? उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, मूवी प्रोड्यूसर्स हैव अप्रोच्ड मी फॉर माय बायोपिक, आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन मेकिंग अ बैंग ऑन क्लाइमेक्स, सो आई हैव रिजेक्टेड इट, लेट्स अज्यूम आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन द मूवी, व्हिच एक्टर डू यू वांट एज द लीड एक्टर? बढ़ते अगले अपडेट की तरफ हम बात करने वाले एमएसके के बारे में। तो एमएसके ने एक ट्वीट करते हुए ट्रोल कराया कुछ मोटो ब्लॉगर्स को। आजकल के मोटो ब्लॉगर्स ने गंद मचा कर रख दिया है मार्केट में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ हम बात करने वाले UK07 Radha के बारे में। UK07 Radha ने एक पोस्ट शेयर कराया है, उन्होंने एक जरूरतमंद की हेल्प करी उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक ई रिक्शा देकर। बहुत ही अच्छा काम किया बाबूया ने, बट बाबूया ये काम तो बिना उनका नाम लिए ही करने वाले थे, जैसे कि उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा था। फिलहाल लेते हैं गाइस, हम लोग ना जस्ट घर पहुंचे एंड मैं आपको एक लेटर के बारे में बता देना चाहता हूँ। हर्षु लेटर लेकर आई हो एक्चुअली गाइस, इसका लास्ट मैं आपको बता देता हूँ व्हाट हैपेंड विद अस। एक आंटी आई हमारे पास, मैं नाम नहीं लूंगा इस वाले ब्लॉग में पूरा, बिकॉज नाम लूंगा तो फिर मैं नहीं चाहता उनकी प्राइवेसी आउट हो, एक्चुअली मैं नहीं चाहता उनकी प्राइवेसी आउट हो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब बेशक वो तो व्यूज एंड लाइक्स के लिए तो किया नहीं होगा, फिर बाकी आप खुद ही समझदार हैं। गाइस अभी तक ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।